इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Redmi Note 11 Pro का, जो कि इसका टॉप नॉच मॉडल है, जिसमें हमें सभी स्पेसिफिकेशन मिलेगी जो हमें चाहिए फ्रेंड्स। तो बिना किसी देरी के वीडियो में बने रहेगा फ्रेंड्स। वीडियो में हम जानेंगे Redmi Note 11 Pro का स्पेसिफिकेशन पूरा, जो कि लीक आउट हो गया है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें इस फ़ोन के परफॉर्मेंस का, तो परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे तगड़ा बगड़ा क्वालकॉम कॉम स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट लगाया गया, जो कि 600 सीरीज का चिप नया सेट है, जो कि एक जी चिपसेट है और काफ़ी कैपेबल चिपसेट है। अगर बात करें इसके अंतुतु स्कोर का, तो 400,000 से ऊपर का अंतुतु स्कोर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस चिपसेट का। तो काफ़ी अच्छा खासा आप बोल सकते हो, एक फ्लेक्सिबल लेवल का ही फ़ोन आप इसको कह सकते हो। आपको डे टू डे लाइफ में कहीं पर भी लैग स्टटर और कहीं पर भी कोई तरह की परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगी। और ये ऑक्टा कोर चिपसेट है और इसके साथ आपको 6GB का रैम पेयर किया गया है। तो आप यहाँ पे रैम भी अच्छा खासा है फ्रेंड्स, यहीं से स्टार्ट होता है। बाकी इसके वर्जन और आगे भी हैं, 8GB रैम भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। और रैम टाइप की बात करें तो LPDDR4X है। अगर 5 होता, LPDDR5 होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट फिर भी कहीं ना कहीं ठीक है फ्रेंड्स। बात करें फ्रेंड्स इस अच्छे स्मन का डिस्प्ले के बारे में, उसमें आपको एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा। स्क्रीन साइज़ की बात करें तो 6.7 इंच का स्क्रीन साइज़ यहाँ पर गिवन है। और यहाँ पे आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात करें तो 86% के आसपास है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बॉडी यहाँ पे दिखेगा, थोड़ा सा 90% होता तो आप कह सकते थे कि बिल्कुल यहाँ पे बॉडी बिल्कुल कम है, स्क्रीन एरिया ज़्यादा है, बट फिर भी ठीक ठाक है फ्रेंड्स। उसके अलावा बात करें ब्राइटनेस का, तो आपको 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस यहाँ पे दी गई है। तो आपको इंडोर आउटडोर कहीं पे भी कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का है, तो आपका जो डिस्प्ले होगा यहाँ पे बिल्कुल मक्खन जैसा एकदम काम करेगा। एमोलेड से तो कहीं पे भी आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं, एकदम बिल्कुल A+ ग्रेड का यहाँ पे आपको डिस्प्ले यहाँ पे दिया गया है। बात करें फ्रेंड्स कैमरा डिपार्टमेंट का, तो कैमरा सेटअप यहाँ पे पीछे की तरफ आपको 3 कैमरा, एक प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी है जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल का है, और थर्ड वाला जो यहाँ पे कैमरा दिया गया है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो इसे इसमें चिप दिया गया है। मैक्रो अभी भी आ रहा है, ये अभी लेके ही चलना पड़ेगा। और इसमें आपको डिजिटल जूम, ऑटो फोकस, फेस डिटेक्शन, सब तरह के फोकस जो भी आपको यहाँ पे कैमरा के लिए चाहिए सब यहाँ पे सपोर्ट वगैरह मिलेगा। तो कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं, मैनुअली भी आप उसको सेटअप कर सकते हो। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल देगा, जिसका अपर्चर 2.4 का दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें तो 1.9 का अपर्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और बाकी तो प्रैक्टिकल आने दीजिए फ्रेंड्स, आने के बाद ही पता लगेगा किस तरह का यहाँ पर आपको कैमरा प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि पहले भी इसके कैमरा 108 मेगापिक्सल वाले आ गए हैं, तो ठीक ठाक फोटोज़ क्लिक कर लेते हैं, अच्छे खासे वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट ज़्यादा जूम करने का थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट वहाँ पर देखने को मिलता है, ब्लर हो जाता है, फटने लग जाता है, ये थोड़ा दिक्कत। लेकिन देखते हैं इस बार सुधार होता है या नहीं होता है फ्रेंड्स। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें 5000mAh का आपको यहाँ पर बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जिसको आप अगर मॉडरेट यूज़र भी आप हो, मॉडरेट टू अगर हाई यूज़र भी हो, तब भी आप एक दिन आराम से निकाल पाओगे फ्रेंड। और यहाँ पे चार्जिंग के लिए आपको 67W का चार्जिंग सपोर्ट दिया जा रहा है, USB टाइप सी का सपोर्ट है, जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से आप मोबाइल को बहुत ही कम समय में चार्ज कर पाओगे। 15 मिनट में है, कंपनी क्लेम करती है कि 50% आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा फ्रेंड्स। बात करें दूसरे फीचर्स के बारे में फ्रेंड, तो यहाँ पे दूसरे फीचर भी सब कुछ यहाँ पे अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ लेटेस्ट वर्जन वाला मिलेगा, UFS 2.2 का सपोर्ट दिया गया है। रैम मैंने बता ही दिया था फ्रेंड्स कि LPDDR4X है, अगर 5 होता और UFS 3.1 होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट कोई नहीं फ्रेंड्स चलेगा, लेकिन इनको देना चाहिए था। और कनेक्टिविटी ऑप्शन भी यहाँ पे आपको भर भर के मिल रही है, जैसा कि आपको पता है 695 एक 5G प्रोसेसर है, तो 5G यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, बट अभी तक ये नहीं है कि कितने बैंड का यहाँ पे आपको मिलेगा, बट फिर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड। बाकी जब भी रोल आउट होगा आपको पता लग जाएगा फ्रेंड्स। बात करें फ्रेंड्स सेंसर का, इसमें आपको सभी सेंसर्स मिलेंगे। आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर साइड की तरफ देखने को मिलेगा, और बाकी जितने भी जरूरी सेंसर है, जायरोस्कोप वगैरह है, वो सब आपको इस फ़ोन में देखने को मिलेगा। कैमरा 2APR का सपोर्ट है, Wide 1 L1 का सपोर्ट है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। इसका डिज़ाइन भी फ्रेंड सिमिलर पहले की फ़ोन की तरह है, जो Redmi Note 10 सीरीज में हमें देखने को मिला था, वैसा ही। वेट की बात करें तो 202 ग्राम का एक यहाँ पे वेट देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे थोड़ा हैवीनेस बढ़ रहा है, और 8.1mm के थिकनेस के साथ ये फ़ोन आपको आता है, तो ठीक ठाक है फ्रेंड्स। बाकी आने दीजिए फ्रेंड्स, देखते हैं जब लॉन्च हो जाता है फ्रेंड्स किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होता है, क्योंकि प्राइस सबसे ज़्यादा मैटर करती है, उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। तो चैनल पे बने रहिएगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें टेक मातो की तरफ से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग टेक मातो।